ओएलएक्स पे बंदा मिला, उसने बोला यार हाँ भाई आप शाम तक आ जाओ। तो मैंने कहा चलो अब उससे मिल लेते, उसका फोन चेक कर लेते, दुआ करो यार फोन अच्छा मिल जाए। आपको देखा हुआ लग रहा है, मुझे कहीं देखा है? आए थे हमने आपको ना फैसल कुरैशी के शो में। पहली दफा ऐसा हुआ है कि मतलब ओएलएक्स पे मुझे, मतलब ओएलएक्स पे लड़कियां भी फोन सेल करती हैं, पहली दफा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन पता है मैंने जो मैंने जिनसे बात की तो कोई मतलब लड़के अंकल थे, वो थे कौन? वो सब लोग वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज आज है फ्राइडे यार, फ्राइडे को व्लॉग शुरू करना ना बहुत 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 डिफिकल्ट होता है यार, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे को सबसे पहले उठ के नहाना है। कभी नहाता नहीं हूँ मैं, लेकिन जुम्मे के जुम्मे नहाता हूँ। तो जुम्मे को सबसे पहले नहाना होता है, फिर नमाज पढ़नी होती है, फिर इतने सारे काम करने होते हैं यार। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये करेंगे कि हम लोग व्लॉग आफ्टर नमाज स्टार्ट करेंगे, 2:30 बजे के बाद, ये शुरू से नहीं करेंगे क्योंकि यार बहुत देर होती है। और आपको पता है कल हम लोगों ने सारा काम वाम किया था, तो मैंने अभी पैक शेक करके रखा है क्योंकि रात को मैंने ऐसे ही रखा था और मैं ऐसे ही सो गया था। तो बस चलो कपड़े कहाँ यार, कपड़े निकालो। क्या पहनूँ? ओए तेरी बहुत गंदी हो रही है, ये वाली साफ सुथरी हो रही है, इसी में से कुछ पहनते हैं। 2000 years later. Guys, नमाज मैंने पढ़ ली है और यार आप लोगों को पता है कुछ दिनों पहले मैं कह रहा था मुझे चाहिए OLX से आईफोन। तो यार मुझे एक OLX पे बंदा मिला, उसने बोला यार हाँ भाई आप शाम तक आ जाओ। तो मैंने कहा चलो अब उससे मिल लेते, उसका फोन चेक कर लेते, दुआ करो यार फोन अच्छा मिल जाए क्योंकि मुझे उसको बर्थडे पे गिफ्ट करना है। मुझे फोन मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है वो इतने हाई कॉस्ट, इतना हाई कॉस्ट, आज 50,000 रुपए नैन को भी देने हैं। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से मारो मेरे मार। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। थोड़ा सा काम कर लूं, थोड़ा काम करना है लैपटॉप पे, इसके बाद हम लोग जाएंगे वहां पे। तो जब मैं जाऊंगा ना तभी ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग चलो मेरे साथ। तो गाइस उन्होंने मुझे बोला आप इस घोड़े वाली चौरंगी पर आ जाओ, मैं आता हूँ। और पता नहीं कितनी देर में वो बंदा आता है। मैं व्लॉग बना सकता हूँ ना अपना? अच्छा फोन दिखा दो आप, ये फोन है दिखाओ। मम्मा की मम्मा की कॉल आ रही है। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था कि देखा हुआ लग रहा है, मुझे कहीं देखा है? आए थे हमने आपको ना फैसल कुरैशी के शो में, फैसल भाई के शो में देखा था मुझे। और अच्छे होते थे, हम लोग फेसबुक पे भी अपलोड होते थे, हम उसमें देखते थे, मगर हमारे पास नेट का मसला था तो देख नहीं पाते, मगर देखेंगे। मस्त एक्टिंग होती है, मस्त मस्त एक्टिंग एक्टिंग नहीं होती, वो शो होता है पूरा। आप लोगों को व्लॉग में ले लूं? ले 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 पक्का? हाय, पहली दफा ऐसा हुआ है कि मतलब OLX पे मुझे, मतलब OLX पे लड़कियां भी फोन सेल करती हैं, पहली दफा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन पता है मैंने जो मैंने जिनसे बात की तो कोई मतलब लड़के अंकल थे, वो थे कौन? वो अबू थे, अबू। अच्छा अबू थे, तो आज अबू साथ नहीं है? अबू घर पे, अबू उधर है। तो वो मुझे फोन वहाँ पे पहले जाना पड़ेगा? वहाँ जाना पड़ेगा आपको, रास्ता का थोड़ा मसला होता है। हाँ आप लोगों ने रास्ता इतना गलत बताया, इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर इस चौरंगी पर आ जाओ, वहाँ पर एक मोड़ आएगा। अब यहाँ पे एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, मैं बका मुझे पता मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा यहाँ पे ना मैंने आपको कहा था कि जहाँ घोड़े दिख के वहाँ रुक जाए। यप, यहाँ मैप्स नहीं चलते। वो मैप जो था ना वो मैंने दिया था, तो यहाँ पे मुझे फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे मैप्स नहीं वर्क करते, तो सॉरी इसके लिए। चले फिर, हाँ मैंने कहा था जहाँ घोड़े दिख के रुक जाए, तो घोड़े ये थे, घोड़े ये थे। चलो घोड़े भी चार और हम भी चार। क्या बोला तूने? मैं अभी इनके अबू से मिला, अंकल इज सो नाइस। उन्होंने मुझे बोला बेटा आप क्यों इतनी तकलीफ के साथ आया हो, वहाँ घोड़े खड़े थे, उस घोड़े बैठ के आया था। मैंने कहा अंकल यही सेम चीज मैं पहले ही बोल चुका हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। कल यार बहुत फनी है, सीरियसली है ना। ये आपके हाथ में कैमरा, पानी दे दो, थैंक यू। आपके हाथ में कैमरा है, आप ब्लॉगर हो? ओह नो, किस नाम से चैनल है आपका? नया ईशा ऑफिशियल। और इसका भी चैनल है, नया ईशा ऑफिशियल। ये हानिया की मेकअप की वीडियोस बनाती है। हानिया बी, हानिया मक्खी जी, हानिया मक्खी बी। वैसे मैंने बी रखा था लेकिन किसी और ने उसका चैनल का नाम ना चेंज कर दिया, फिर मुझे बी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपको भी, बेस्ट ऑफ लक आपको, आप दोनों को भी। थैंक यू।
अभी देखते हैं आपके चैनल का, देखते हैं इनके व्लॉग्स कैसे होते हैं। पानी पी लो। सो गाइस, मुझे फोन आ गया है पसंद। पैसों की बात मैं आपसे करूं या आपके बाबा से करूं? फालूदा लेने चलेगा मेरे लिए? फालूदा क्यों भाई, इतनी तकलीफ क्यों ली? नहीं नहीं, आप आए हो ठीक है, ओके, व्लॉगर व्लॉगर दोस्त होते हैं, बट फालूदा नहीं। मैं आपको बता डाइट पे होता हूं, सो नो मना कर दो ना फोन पे। क्या आज खा ले? आज खा ले। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता यार मुझे। पहली दफा चीज आपको पसंद होती है ना, वो जीरो कैलोरीज की होती है। अच्छा, ये कौन सी बात हो गई? ये मेरे की। चलो ओके। अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो आपका माइक है, ये आपने कितने का लिया था? मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे ना। अच्छा अच्छा, इसमें से मतलब हर डायरेक्शन की वॉइस आती है? जी आती है ना। मुझे इसकी क्वालिटी दिखाना, क्योंकि मैंने माइक लिया है, वो माइक बहुत सुपर है, उसमें एक एक वर्ड मुझे क्लियर आता है, बहुत सुपर है। या आप भी फालूदा खाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं, ये फालूदा नहीं खाएंगे। ऐसे करो, ऐसे भाई सब दिखाओ। अच्छा सो, अरे अरे मजाक कर रहा था, ठीक है, माइंड नहीं करना, ठीक है, ओके। तो गाइज, मैं फोन के पैसों के प्राइस की बात इनके बाबा से कर लूंगा, और इनके बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, कब तक आएंगे वो? अभी आ रहे हैं। फालूदा बना क्या रहे? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपके बाबा काम क्या करते हैं? क्या क्या है? और मॉम? मम्मा डॉक्टर है। ओह माय गॉड, आप लोगों के लिए तो बड़ी यार दुख की बात होगी। सुबह स्कूल के लिए उठते हो गए, अम्मी तबीयत खराब है, अम्मी बोलती होगी ये लो तो बेटा गोली और निकलो। है ना, कभी छुट्टी, फिर कैसे छुट्टी करते थे, स्कूल का बहाना कैसे करते थे? अच्छा, पेट में दर्द का बहाना भी नहीं चलता था? अच्छा, आप लोग यूनिवर्सिटी में होती? नो नहीं, आप यूनिवर्सिटी में? और कहाँ है यूनिवर्सिटी में? अच्छा अच्छा है, आप डॉक्टर नहीं बनो, क्योंकि फिर आपके जो बच्चे होंगे ना, उनको फिर सुबह स्कूल ऐसे ही जाना पड़ेगा बिना बहाने करे। और आप क्या कर रही हैं मैडम? आप सेकंड ईयर में? पता है मैं तो नर्सरी में हूँ। आप ट्यूशन दोगे मुझे? आपको पता है मैं खुद लोगों को ट्यूशन देता फिरता हूँ। हाँ नहीं, व्लॉगिंग की ट्यूशन भी देता हूँ। व्लॉगिंग की ट्यूशन? हाँ बिल्कुल, मैं आपको दूंगा, फ्री में दे दूंगा, 150 रुपया देगा बस। आप मुझे बता देना, फिर हम लोग बना लेंगे साथ व्लॉग, और आपको टिप्स भी दे दूंगा ऐसे फोन घुमाने की, यूं फिर यूं स्पाइडरमैन की तरह। लोग मुझसे जब भी आके पूछते हैं ना, मुझसे यही चीज पूछते हैं कि यार आप अपना फोन कैसे घुमाते हो, उनको मैं सिखा कि थक गया फोन ऐसे घुमाता हूं। और आपने भी फोन घुमाने के लिए इतनी बड़ी चीज ली हुई है यार, हाथ में दर्द हो जाता है। मेरे तो नहीं होता। ये हाथ नहीं, ये स्टेबलाइजर है। आप लोग कमजोर हो? नहीं नहीं, आप लोग ठीक ठाक हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, सब फिट फाट हो, फिट। नहीं नहीं यार, किसी को बॉडी शेम नहीं करते। आप नहीं हो कमजोर, आप अच्छी हो, बिल्कुल फिट हो। इनकी बातें नहीं सुनो, अगर ज्यादा कोई बोले ना तो आप थोड़े से यूं लगा देना, आपका हाथ तो वैसे भी जोर से लगेगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। गाइस, मैंने फोन ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर। सो अलाफेज छोटू। अलाफेज। आप छोटू नहीं हो? हाँ। आप बड़े हो? नहीं, लड़की हो। ओ बाय छोटी। अलाफेज छोटी। तो गाइस, मैं घर आ गया हूँ और अभी मुझे फौरन से चेंज करना है और जाना है टेलर के पास, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले टेलर को दिया था अपना सूट स्टिच होने के लिए, तो वो लेने जाना है, तो चलो यार। तो भाई टेलर के पास से भी होकर आ गया, लेकिन टेलर ने बोला कि भाई अभी तो सूट बना ही नहीं है, तो फिर आप कल आना। अब कल जाएंगे, खाना वाना खाते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।